हेलो एवरीवन इट्स बालोजी एजुकेटर गीता शुक्ला वेलकम टू आन अकेडमी क्लास ट्वेल्थ चैनल बचापाटी और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इस पॉलिनेशन और पॉलीनेशन एक ऐसा है क्वेश्चन जो आपका टॉपिक उससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक है तो ईजी बट यहाँ से क्वेश्चन इतना अच्छे अच्छे लेवल पर और ऐसे रीजनिंग दे देते कि आप उसमें फंस जाते हो स्पेशली बोर्ड्स की बात करें या फिर हम नीट की बात करें या फिर इफ यू इवन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस यू टी सो जो बहुत ईजी टॉपिक्स होते हैं अक्सर क्या होता है ना अक्सर वही उन्हीं टॉपिक्स में पंगा भी होता है तो आज हम आपको ये टॉपिक समझाएंगे साथ में हमारी कोशिश ऐसी रहेगी कि इस तरीके से आप समझो कि आप फिर कभी ना भूलो है ना इससे फिर कितना भी अगर डिफिकल्ट रीजनिंग कोई भी कि ये ऐसा हुआ तो कैसा होगा वैसा हुआ तो कैसे हुआ उसकी नानी उसकी दादी अगर ऐसे रही तो उसकी मामी मासी कैसा होगा नो no मैटर कितना भी यहाँ पे घुमाएगा बिकॉज इट विल हैपन इन पॉलिनेशन सो यू विल बी एबल टू गिव ऑल दी आंसर्स दैट वन थिंग आई मेक श्योर ऑफ इट तो अभी अपना टॉपिक क्या है अपना टॉपिक है पॉलिनेशन पॉलिनेशन एंड आई एम रियली होपिंग कि आप पिछले लेक्चर्स देख के आ रहे हैं uh, अगर नहीं भी देख के आ रहे हो तो पॉलीनिशियन एक बहुत ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड उतना आपका रिलेटेड है नहीं तो पॉलिनीशियन है क्या सिंपल से बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलिग्रीन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हाँ चलो ठीक है पता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रीन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ये हमने पढ़ लिया कि एंथर से स्टिग्मा पे पॉलिनग्रीन का जाना इज योर पॉलिनीशियन ठीक है ये हो गया नॉर्मल अब हम आपको बताते हैं कि पॉलिनीशियन है क्या ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज मिनी लैंग्वेज में पॉलिनेशन इज प्रपोजल ठीक है सिंपली पॉलिनेशन इज प्रपोजल ये स्टिग्मा है स्टाइल है ये ओवरी है ठीक है यहां एक फ्लावर है सुंदर सा दिख रहे ये इसका थैलमस हो गया स्टिग्मा हो गया जो भी हो गया ये मैंने कुछ ज्यादा ऊपर उठा दिया है ओवरी को बट सिंपली हम जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टिग्मा है और ये यहाँ पे मान लो एंथर है किसी और फ्लावर का है या उसी फ्लावर का है यहाँ से एक ग्रेन का यहाँ पे जाना यही आपका पॉलिनीशियन है ठीक है क्यों जाना हो तो ग्रेन को जाना है तो है क्यों स्टिग्मा पे क्या उसकी क्या लगती भाई उसने क्या इन्वाइट किया है उसका रिश्ता है बाई द वे लेट मी चेक वेदर इट्स बींग रिकॉर्डेड और नॉट बिकॉज आई हैव डन दिस टास्क क्यों इसलिए जाना है क्योंकि बेटा पॉलिन ग्रेन के अंदर ही होता है हमारा मेल गैमेट उम्मीद करते हैं इतने दिन में आप इतना सीख चुके होंगे कि पॉलिन ग्रेन को मेल गैमेटो तो बोलते हैं इसके अंदर मेल गैमेट है मेल गैमेट जब तक स्टिग्मा के पास नहीं जाएगा तब तक स्टाइल से होकर ये यह यहां पर कहीं फीमेल गैमेट बैठी होती है ब्रायोसेक के अंदर पहुंचेगा ही नहीं तो इससे बेटा अपने मतलब सनम के पास पहुंचने के लिए उसके दर पर तो जाना पड़ेगा है ना तो स्टिग्मा इज लाइक दैट प्लेस दैट लैंडिंग प्लेटफॉर्म वेर विल गो एंड उसके बाद फिर आगे की कहानी है कि भाई एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा फिर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये सारी उसकी पहले कहानी बट अभी हमें इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन में है सो पॉलीनेशन मेनली आपके पास क्या होता है तीन टाइप का होता है और तीन टाइप का एक आ जाता है अपना ऑटोगेमी एक आ जाता है जिटनो गैमी एक आ जाता है, है जीनो हम एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे आपको तो पता है हम कितना सुंदर ड्राइंग बनाते हैं ठीक है लास्ट डे मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से बैट लगाई थी ओवरी का डायग्राम बनाने में कोई मुझसे अच्छा नहीं बना पाया सबसे अच्छा मैंने बनाया बहुत कोशिश की बट हार गए सब बट ये तो हमसे अच्छा ऑब्वियसली कोई नहीं बना सकता ये देखिए अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे स्टिग्मा है ये बेटा ओवरी हो गई और ये एक हो गया ये स्टिग्मा ये एंथर हो गया ठीक है बगल में चलो यहाँ पे इसको हम थोड़ा और एक ये हमने एक प्लांट बना दिया लेट्स से दिस इज़ द प्लांट ए ये क्या है प्लांट ए है सिर्फ हम फ्लावर दिखा रहे हैं बट ऑफकोर्स ये फ्लावर तो किसी पेड़ पर पे ही होगा तो आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि हाँ ये प्लांट ए है दिस इज़ द प्लांट नंबर वन एक और पेड़ इसी के बगल में है प्लांट नंबर टू कितना सुंदर सुंदर प्लांट है देखिए अभी आपके पास बहुत वक्त है स्टार्टिंग में हो एकदम आराम से शांति से इस लेक्चर्स को टॉपिक्स को पढ़ो जितना भी टॉपिक करो ढंग से करो जल्दबाजी में इधर उधर कूद कूद के आप लोग करते हो और फिर पढ़ाई कुछ होती है नहीं तो इस तरीके से नहीं करो जो भी टॉपिक करो उसे अच्छे से कंप्लीट करो बेटा कि हाँ फिर उसमें तुम ना फंसो उसको अच्छे से कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि पाँच सौ बुक से पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ने का मतलब ये कि जितना एन में कंटेंट एक एक लाइन एक एक वर्ड दिया है आपको सब समझ आना चाहिए एन की थ्योरी काफ़ी है उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी के लिए ओनली एन इज आर नथिंग एल्स यू नीड टू डू एक और फ्लार हमने यहाँ पे बना दिया स्टिग्मा सिर्फ यहाँ पे बना दे रहे हैं अभी क्योंकि उतने में हमारा काम हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे मैंने इतने सुंदर सुंदर फ्लावर क्यों बनाए इसलिए बनाए देखो बेटा एक तो हो जाएगा कि ये यहाँ से इसका वाला जो पॉलिन ग्रेन है ये पॉलिन ग्रेन उड़ के जाएगा ये यहाँ पर इसके एंथर पर चला जाएगा ठीक है पहला चांस तो ये हो सकता है कि ये यहाँ से जाए यहां पहुंचे दूसरा चांस क्या हो सकता है पहला चांस ही अपने पे ही जा सकता है भाई इतना दूर हम क्यों जा रहे हैं दूसरी चीज क्या हो सकती है कि मान लो अपनी ही अपना ही पॉलिन ग्रेन अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पे चला जाए ये दूसरा केस हो गया तीसरा केस हो गया कि यहां वाला पॉलिन ग्रेन ये इधर आए ये तीसरा केस हो गया ठीक है तो जब हमारे पास ये तीन केस है ए बी सी ए में आपको अगर दिख रहा है तो सेम का ही ग्रेन सेम ही फ्लावर पे आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी ऑटोगेमी ठीक है व्हाट इज ऑटोगेमी सेम फ्लावर सेम प्लांट अपने ही फ्लावर पे अपने ही पेड़ के अपनी फ्लावर में पॉलिनेशन हो, वो जाएगा ऑटोगेमी सेकेंड वी हैव दी दस वन दिस इज जिटनो गैमी जी टी नो गैमी जिटनो गैमी अगर आप देख रहे हो फ्लावर अलग अलग है बट प्लांट सेम है सो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट ठीक है ये भी हो गया यहां पर देखो ये थोड़ा मस्त केस है दिस इज जीनोगेमी का केस जीनोगेमी में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो प्लांट ही अलग है एक का पॉलिन ग्रेन जा रहे हैं तीनों ही चांसेस हैं What इज दिस डिफरेंट प्लांट पे ठीक है ये तीन चीज़ समझ आ गई यहाँ पे देख रहे हो इसका पॉलिन ग्रेन यहाँ पे उठ के जा रहा है इसका वाला अपने पे हो रहा है इसका वाला अपने पर हो रहा है ठीक है अब इसको एक स्टोरी एक एग्जाम्पल के, के फॉर्मेट में समझो तब आपको समझ आएगा ठीक है बुरा मत मानना हम एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं एग्ज़ाम्पल क्या है आपके पास दो केस है आहा। ये देखो दो केस हैं एक तो ये आपकी क्लास है आपकी क्लास है क्लास ट्वेल्थ की क्लास है अब यहाँ पे ऐसे आपको पता है आपकी क्लास में बेंच होती हैं ऐसे बेंच पे लोग बैठे होते हैं यहाँ पे बैठा है पिंटू और यहीं पे इसके बगल में बैठी है पिंटी और ये है आपका मान लो ये यहाँ पे हम चले जाते हैं अरे इतना अच्छी अच्छी है नज़र ही लग जाती है बताओ चिंटू पिंटू बुरा मान गए तुम्हारी क्लास में से कोई बोला मैम हम आपने हमें क्लास में बैठाई नहीं एक मान लो सीट यहाँ पे आ गई ठीक है यहाँ पे बैठी है अपनी सिंटी सिंटी पिंटी चिंटी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं अब ये तुम तुम्हारा नाम चिंटू है अब तुम्हारे पास तीन ची तीन तीन हो सकता है ना मान लो यहाँ पे भी कुछ बॉयज़ हैं यहाँ पे भी हैं हर सीट पे अब देखो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है आपने चूज़ किया अपनी सीट के बगल वाली लड़की को प्रपोज़ करना है आपका सीट भी सेम है सेक्शन भी सेम है क्लास भी सेम है ये हो गया आटो ऑटो कैमिंग अपने ही क्लास में अपनी सीट के बगल में जिन्हें चलो ठीक है हाँ क्लास अलग है मतलब सेक्शन हो सकता है सेक्शन ए है सेक्शन बी है बट क्लास सेम है ये यहाँ से यहाँ पे तीसरे बंदे ने कहा नहीं हमें तो ये अपने स्कूल के लोग पसंद ही नहीं है क्लास ट्वेल्थ में नहीं, हम तो सीधे कॉमर्स वाले के पास जाएंगे एकदम क्लास अलग स्ट्रीम अलग सब अलग सो दैट टोटली पूरा अलग कि एकदम क्लास सेक्शन सेम ना हो वो हो जाएगी जीनोगैमी ये हो जाएगा कि हाँ चलो क्लास सेम है बट सेक्शन अलग हो जाएगा जिटनोगैमी अपनी क्लास पे अपनी सेक्शन में हो जाएगी तुम्हारी ऑटोगेमी बात समझ आई ऑटोगेमी इज लाइक अपना ही जीनोगैमी एकदम अलग अलग जिटनोगैमी इज़ कि हाँ भाई प्लांट सेम होगा बट अपना अलग होगा ठीक है तो यही तीन चीज़ें हमारी हैं ऑटोगेमी जीनोगैमी और जिटनोगेमी ऑटोगेमी को हम लोग जनरली बोलते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर नेम होता है सेल्फ पॉलिनेशन क्यों क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम अपने में ही आपका हो जा रहा है जिटनो एंड जीनो को इसको इरेज कर देते हैं जिटिनो एंड जीनो को बोलते हैं साथ में क्रॉस पॉलिनेशन जिटिनोगैमी प्लस जीनोगैमी इसको हम लोग बोलते हैं एलोगैमी इसको एक टर्म दिया जाता है एलोगेमी या फिर इसी को बोल दिया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन जनरली तो 90 परसेंट केस में जब भी आपको पढ़ाया जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस में पढ़ाया जाएगा ये चीज होती है अच्छा जिटिनोगेमी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिट्नोगेमी तो आपका प्लांट सेम है वजह जस्ट जेनेटिक आपका जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो जिटनोगैमी में आपका क्या हो जाता है ये प्लांट सेम होता है ठीक है और आपका फ्लावर डिफरेंट होता है तो ये हमारा फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्यों क्योंकि आपका क्रॉस एक फ्लावर से दूसरे में जा रहा है ना तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा बट जेनेटिकली सेल्फ़ पॉलिनेशन होगा इस पॉइंट का याद रखना अब इसको आगे और अच्छे से समझोगे जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा ठीक है ये इतनी सी कहानी है यहाँ पे अब याद कैसे रहेगा देखो याद रखना बहुत आसान है बेटा एक्स है एक्स एक्स कौन होती तुम्हारी एक्स वो है जो अब आपके पास नहीं रही दूर है तो याद रखना एक्स में क्या है सेम प्लांट नहीं है दूसरा दूसरा प्लांट है और बाकी दोनों में प्लांट सेम है ऑटो गेमी जिटनो गेमी में ऑटो ऑटो एकदम समझ लो ऑटो पे बैठी है तुम्हारे बगल ही है तो सेम फ्लावर जिटनो एकदम इंटरमीडिएट वाला हाँ जी हाँ जी करके बात करते हैं थोड़ी दूरी है बट भाई उतनी भी नहीं है ठीक है तो ये कीवर्ड वर्ड या आप याद रखोगे आपको लाइफ टाइम आपको इशू होगा नहीं अच्छा अब आता है कि मैम ऐसा भी क्या था है ना किसी ने ऑटो गेमी चूज़ की किसी ने जिटनो गैमी चूज की किसी ने जीमो गैमें चूज़ की क्योंकि हर किसी के अपने अपने फ़ायदे हैं ठीक है जैसे कि ऑटो गेमी भाई आसान है आपको आपके लिए बहुत इजी होगा अपनी क्लास की अपनी सीट के बगल वाली लड़की को प्रपोज करना है पचास बार रिजेक्ट करोगे एक ना एक बार तो हाँ बोलेगी ठीक है इन कंपेरिजन टू तो किसी दूसरे शहर में दूसरे स्ट्रीम की दूसरी दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क तो वैसे ही ऑटो तो बहुत सिंपल सा इनका तरीका होता है कि इनको पॉलिटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती मेहनत ज़्यादा करना नहीं पड़ता इसलिए चूज़ कर लेते हैं बट जीटनोकेमी जीनोकेमी के भी अपने फायदे हैं बेसिकली अगर हम नॉर्मली बोलना चाहें तो सेल्फ पॉलिनीशन के कुछ फ़ायदे हैं और क्रॉस पॉलिनीशन के कुछ फायदे हैं तो हर एक प्लांट अलग अलग चूज करता है लेट्स लेट्स जर्नली एक जर्नल आइडिया हम आपको दे देते हैं वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें कि हाँ भाई सेल्फ पॉलिनीशन के क्या क्या फ़ायदे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा पहला फ़ायदा ये आ जाता है कि इसमें पॉलीनीटिंग एजेंट की रिक्वायर्ड नहीं है नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनीटिंग एजेंट नो पोलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड जैसे कि अगर आपके बगल में ही है तो आपको नहीं बोलने कि यार उसका नंबर दे दे है ना? या फिर मेरी बात करा दो या फिर आपके अपने अपने फ्रेंड को समोसे खिलाना नहीं है उसको बेवजह का कि वो खा के बैठ जाए काम भी ना करे। वहाँ पे तुम खुद से काम कर सकते हो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सो नो पॉलीनेटिंग एजेंट विल भी रिक्वायर्ड सेकेंड एश्योर्ड सीड सेट एश्योर्ड सीड सेट बहुत बड़ा पॉइंट है वॉट इज दिस एश्योर्ड सीड सेट सीड कब बनता है सीड बनता है जब पॉलिनेशन होके फर्टिलाइशन हो जाए तब फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है सीड इज़ लाइक नेक्स्ट जनरेशन तो सिल्प पॉलिनेशन में चांसेस ज़्यादा होते हैं क्यों क्योंकि बगल में ही होता है पॉलिनेशन हो जाता है तो अपना फर्टिलाइजन होकर दोनों सीड बना लेते हैं ठीक है बगल में ही है तो देर इज हाई चांस यू यूल प्रपोज इट विल गेट एक्सेप्टेड एंड देन विल गेट मार देन यूल हैव किड्स सीड इज़ लाइक किड यहाँ पे श्योरिटी एश्योर्ड का मतलब श्योरिटी कहाँ होगा ही होगा क्रॉस पॉलिशन में कुछ नहीं होता क्रॉस पॉलिशन इज़ लाइक तुम अपने फ्रेंड को बोलो बात कराएगा वो तुमसे रोज पैसे खा रहे हैं मोमोज ले रहा है बदमाश दोस्त बट तुम्हें नंबर तक नहीं दे रहा है तो घूमते रह जाओगे फिर तो वैसे ही सेल्फ में हो जाता है बट क्रॉस में नहीं हो, हो पाता है बहुत बार थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये यह हो जाता है कि आपको कोई भी रि, पॉलिन रिवॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती नो पॉलिन रिवॉर्ड रिक्वायर्ड जैसे मैं आपको बता रहा हैं ना कि दोस्त को आपको आ, मैं वो देना पड़ेगा क्या बोलते हैं समोसे और वैसे ही वैसे ही प्लांट्स को क्या होता पॉलिनेटर्स को है पॉलीनेटर्स को जनरेट रिवॉर्ड देना पड़ता है जैसे नेक्टर हो गया या ग्रेन हो गया खाने पीने के लिए आप आगे बढ़ोगे भी बट इनको नहीं बनाने की जरूरत होती है फोर्थ पॉइंट यहाँ पर जो इनका डिसडवाटेज होता है बहुत बड़ा कि बार 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 बार, बार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से उनके उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं आती है और उनमें इमब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है दिस इज द डिसएडवांटेज इम ब्रीडिंग डिप्रेशन डिप्रेशन क्या है कि आपका क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाना जैसे कि एक वीट है wheat के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन बहुत होता है तो वीट में क्या होता है अगर बार बार वही सेम टाइप का ही सीड से पॉलिनेट होता है तो उसमें क्या हो जाता है धीरे धीरे गेहूं आपका पतला होने लगता है पहले चार टन होता था तो एक टन होने लगता है उसी को इम्ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं वॉट इट इज क्वालिटी डिक्रीज इन क्वालिटी एज वेल एज इन क्वान्टिटी डिक्रीज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्वालिटी क्वांटिटी में खराब होना तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसी वजह से बहुत सारे प्लांट मेनली चूज़ ही नहीं करते हैं ठीक है लेकिन कुछ इतने होते हैं कि भाई हो जाए हमको सीड मिले नहीं फर्क पड़ता कि हमारा ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है और एक और डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती लेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी थोड़ी बहुत आती है म्यूसिस करा, करा करा के लेकिन इस वजह से क्योंकि एक ही प्लांट है ना अब देखो जैसे आप हो अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड टू अ डॉक्टर है ना हाई चांसेस उसके किड में सिर्फ डॉक्टर्स की क्वालिटी होगी भाई कुछ खास अंतर नहीं होगा थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ चलो डॉक्टर के बजाय मेडिकल स्टोर खोल लिया उसने उसी लाइन में गोल गोल घूमते रहेंगे क्योंकि आपका पेरेंट सेम है प्लान सेम है नए जीन्स आएंगे कहाँ से तो लेस जेनेटिक वेरिबिलिटी होती है क्रॉस पॉलिनेशन इज लाइक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है क्रिकेटर इज मैरिंग टू एन एक्टर तो उसके किड्स में विल हैव लाइक बोथ द क्वालिटी क्या रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स कम आते हैं बट फिर भी आफ्टर पॉइंट आने लगते हैं ठीक है तो वही क्रॉस पॉल्यूशन कुछ को है कि नहीं हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन देखनी कुछ को है भाई सीड आ जाए नहीं फर्क पड़ता हमें कैसा आ रहा है ठीक है जैसे इंसानों में भी दो तरीके के इंसान होंगे कुछ इंसान होंगे दे विल वांट कि नहीं हमें एक ऐसा पेरेंट हम एक ऐसे पार्टनर शादी करें जिसमें जिससे कि अल्टीमेटली माई नेक्स्ट जनरेशन हो उसमें ये क्वालिटी हो ये है ये चाजी हो कुछ ऐसे होंगे जिनको एक नहीं भाई हो जाए कोई भी किड्स आए कैसे भी रहें वी डोंट केयर वैसे ही प्लांट्स में होता है ठीक है अच्छा इंब्रीडिंग डिप्रेशन इंब्रीडिंग डिप्रेशन का एक सोल्यूशन भी है इम्ब्रीडिंग डिप्रेशन को आउटकम ओवर इम्ब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर खत्म करना है ठीक है तो क्रॉस पॉलिनीशन कराया जा सकता है जैसे मान लो प्लांट है बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो उसमें इम्ब्रीडिंग डिप्रेशन होगी बस एक जनरेशन में क्रॉस पॉलिनीशन करा दो ठीक हो जाता है तो इम्ब्रीडिंग डिप्रेशन उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है ठीक है लेकिन अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कि क्रॉस पॉलिनीशन के क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या डिसएडवाटेज हैं देखो जो इसका एडवांटेज है वही उसका डिसएडवांटेज है जो उसका डिसअर्बेंस वही इसका एडवांटेज है यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे यही है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत अच्छी आती है ठीक है जिसकी वजह से जो इनके सीड होते हैं अक्सर करके सुपीरियर बनते हैं वेरिएबिलिटी 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 देख रहे हो वेरी हाई दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग विच हैपन्स ओवर हियर नो इम्बरेडिंग डिप्रेशन यहाँ पे कोई इम्ब्रेडिंग डिप्रेशन नहीं होता ये इसका एडवांटेज हो गया बट इनका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते इनमें पॉलिटिंग एजेंट लगेंगे इन्हें पॉलिन रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा ठीक है और इनको एफर्ट बहुत करना पड़ेगा इसमें नो एश्योर्ड सीट इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है बट इनको कोई नहीं कर लेंगे मेहनत ठीक है तो ऐसे ही ऐसे ही होता है अब क्या है जैसे कि हमने आपको बोला कि बहुत तरीके के प्लांट होते हैं कुछ को है कि नहीं माइंड चॉइस विल भी, भी कि हम तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे मुझे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाहिए नहीं तो हमें हो सकता है कि हमारा सी डी ना बने और कुछ है कि जिनको है कि नहीं मुझे क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए ठीक है कि जिससे मुझ में जेनेटिक वेरिएबिलिटी ना आए तो दो तरीके के प्लांट होते हैं जैसे हमने आपको बोला तो एक होता है एडॉप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ऐसा ऐसा तरीका अपनाते हैं एडॉप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन कुछ ऐसे होते हैं जिनको जिनको नहीं हमें अपने में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन चाहिए हम क्रॉस पॉलिनेशन हमें उतना नहीं पसंद है हम चाहेंगे कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन आए ठीक है जैसे सबसे पहला आपका आ जाता है सिर्फ नहीं मतलब बट दे प्रेफर टू सबसे पहला है कि सेल्फ पॉलिनेशन वाले अक्सर मोनोक्लीनी प्लांट बनाते हैं मोनोक्लिनी जिसको हम लोग बाई बोलते हैं अब बाइ नहीं होगा तो आपका कैसे होगा भाई अगर मान लो हम आपको बोल रहे हैं कि ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन इज़ लाइक प्रपोजिंग टू योर बगल में सीट वाली अगर तुम्हारा स्कूल बॉयज़ है गर्ल्स है ही नहीं है क्वेड है ही नहीं है तुम क्या ही करोगे तो सबसे पहले तुमको यही ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं हमें बाई फ्लावर चाहिए जिसको मोनोक्लिनिक बोलते नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी दूसरा होमोगैमी इज़ वेरी रिक्वायर्ड वॉट इज होमोगैमी होमोगैमी का मतलब है कि आपका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपके सेम टाइप में मेच्योर हो ठीक है सेम टाइम मेच्योरिटी मतलब कि अगर मान लो तुम्हारा स्कूल को ऐड हो भी गया बट अगर आप मॉर्निंग सेक्शन आपका सुबह आठ बजे दस बजे तक स्कूल है अब बॉयज़ का बॉयज़ तो आगे क्लास इलेवन ट्वेल्थ के बट उनके साथ में गर्ल्स जा रही हैं एल के जी यू के जी के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है वैसे यहाँ पे क्या होता है अगर मान लो ये स्टिग्मा है लेट्स से दिस इज द स्टिग्मा और बगल में ग्रेन है बट पॉनिन ग्रेन अभी रैप्चर हुआ ही नहीं है ठीक है तब तक स्टिग्मा पे कोई ना कोई और पॉलिन ग्रेन आ जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता तो इस वजह सेम टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ जिस टाइम पे स्टिग्मा मैचोर हो रही है उसी टाइम पर पोलिनग्रीन भी मच्योर हो जिससे कि यहाँ पे जाए तो रिसीव कर सके बहुत बार तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पे हम लोग आ जाते हैं क्लिस्टोकेमस फ्लावर क्लिस्टोकेमस फ्लावर आपका ऐसे फ्लावर होते हैं जो ऑलवेज क्लोज होते हैं ऑलवेज क्लोज ऑलवेज क्लोज्ड बाई क्योंकि इन्हें है कि नहीं हमारे पे कोई दूसरा फ्लावर आके नहीं आपका पॉलिनेट कर जाए जैसे ऐसे फ्लावर होते हैं यहीं पे बीच में स्टिग्मा स्टाइल होती है बगल में पॉलिग्रेन होते हैं ये अपना आपस में ही कर लेते हैं ठीक है तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीन चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिस्टोकोमेस फ्लावर का एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें तो आपका एक हो गया ग्राउंड नट और अक्सर करके जो आपके क्लिस्टोकोमेस फ्लावर होते हैं ना अंडरग्राउंड होते हैं क्योंकि बाहर जाके करेंगे क्या इनको वैसे भी कुछ मतलब तो है नहीं किसी से मिलना है नहीं कोई पॉलिग्रेन को एंट्री देनी नहीं है अपने में पॉलीनीशन कर लेना है तो वॉट इस द पॉइंट ग्राउंड नट तो क्या कॉमेली ना हो गया वायोला हो गया एंड ऑग्जेलिस हो गया अब देखो ये तीन प्लांट ना स्पेशली बड़े स्मार्ट है ये तीन प्लांट ये क्लोज फ्लावर तो बनाते हैं बट इनमें कुछ जो होते हैं ओपन फ्लावर भी बना लेते हैं इस वजह से कि हमारे प्लांट में भाई कुछ कुछ जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आ जाए तो इनमें क्लोज फ्लावर भी पाया जाता है ओपन फ्लावर भी पाया जाता है ओपन फ्लावर को हम लोग बोलते हैं चज्मोगा फ्लावर जो कि हम भी आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं ठीक है तो जैसे ही आपके पास हो गया कि हाँ हमें चाहिए कि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन हम प्रेफर करें वैसे ही यहाँ पर क्या होता है अच्छा एक और चीज़ ऐसा नहीं है कि बाई फ्लावर में सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता बाई फ्लावर कैन हैव द क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल अगर ओपन है और बाई है तो हो सकता है कि अपना वाला भी करें बट बगल वाला भी आ जाए लेकिन हाँ अगर बाई नहीं होगा तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं तो फॉर श्योर sure है तो इस चीज़ को ध्यान रखना ठीक है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ओनली सेल्फ पॉलिनेशन ओनली ऑटोगेमी होगा यहाँ पे बाकी इसमें से किसी में गारंटी नहीं है कि सिर्फ ऑटोगेमी हो हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाए ठीक है तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हाँ इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी क्योंकि ओपन ही नहीं होगा बाकी इसमें ये होगा कि हाँ एक तरीके का अडोप्टेशन आ चुका है कि दे विल प्रेफर सेल्फ पॉलिनेशन बट इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है इस चीज़ को ध्यान रखना अब हम आ जाते हैं एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन अरे एडोप Adaptations for our cross pollination क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे इन्हें ये मेक श्योर sure करना है। इसी को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, इसी को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, ठीक है यहाँ पे क्या है यहां पर इन्हें यह मेकश्योर sure करना है कि नहीं भाई सेल्फ पॉलिनेशन तो होना हम में सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन हो तो सबसे पहले तो दे विल मेक श्योर sure की डाइक्लिनी डाइक्ली मतलब यूनिसेक्सुअल अब यूनिसेक्सुअल में क्या होगा कि यूनिसेक्सुअल में यहां पे बाई है नहीं सेल्फ हो ही नहीं सकता सिर्फ मेल या तो सिर्फ फीमेल तो ये एक चीज हो जाएगा दूसरा हमारे पास आ जाएगा आपका डाइकोगेमी डाइकोगेमी इज वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट अपोजिट टू होमोगेमी यहां पे डिफरेंट मैच्योरिटी टाइम मैच्योरिटी टाइम अलग है है ना अब इसमें इसमें दो केसेस आ जाते हैं एक आ जाता है प्रोटो एंड्री ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मतलब डाई क्लीनी इज़ लाइक कि तुम्हारा तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारा एडमिशन सिर्फ बॉयज स्कूल में करा दें या फिर सिर्फ गर्ल्स स्कूल में करा दें होगी फिर तो समस्या खराब सेकेंड आपका हो जाएगा हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे एक आ जाता है प्रोटो एंड्री एक आ जाता है आपके पास प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी प्रोटो एंट्री में क्या होता है यहाँ पे एंथर मेच्योर हो जाता है फर्स्ट एंथर मेच्योर फर्स्ट अब एंथर अगर पहले मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है लेट से दिस इज दिस इज द स्टिग्मा स्टिग्मा मेच्योर है ही नहीं है ये बगल से एंथर है इसका पोलन पॉलिंग्रेन अगर इधर आके गिरता भी है ये रिजेक्ट रिज, कर देती है रिजेक्ट क्या कर देती है इसके पास मतलब आके ये रिसीव ही नहीं करती है इसको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है डस्ट पार्टिकल उसको इग्नोर कर देती है ठीक है प्रोटोगाइनी में क्या होता है स्टिग्मा मेच्योर फर्स्ट अब इसमें स्टिग्मा मेच्योर हो जाती है आपका पॉलिंग्रेन आता ही नहीं है जब तक पोलिन पोलिनग्रीन इसका प्लांट कब तैयार होता है तब तक इसको कोई ना कोई और फर्टिलाइज करके चला जाता है तो प्रोटो एंड्री इज़ लाइक कि क्लास ट्वेल्थ की बॉयज़ के साथ एल की गर्ल्स बिठा दी जाए अब अगर वो कुछ भी बोलेंगे छोटी बच्ची उसको क्या ही समझ आएगा ठीक है हजदगी प्रोटोगाइनी इज़ लाइक फीमेल मेच्योर हो गई बट मेल नहीं हुए तो दोनों ही में मतलब अच्छा खेल गए सबके सब ऐसा बहुत सारे स्कूल में साथ होता है अगर आपके साथ ऐसा हो मुझे ज़रूर बताना मुझे अच्छा लगेगा सुनने में ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आपके पास आ जाता हैट्रो स्टाइली ये भी बड़ा अच्छा चीज है तुम लोग अपना बताना आपके साथ कौन सा केस है प्रोटो एंड्री प्रोटोगाइनी डाई क्लीनी हेट्रो स्टाइली यू टेलमी इन कमेंट सेक्शन वॉट इज द योर स्टेज ठीक है अब हम आते हैं हेट्रो स्टाइली आई वुड लव टू रीड हेट्रो स्टाइली में क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट पोजिशन पोजिशन के साथ खेल जाते हैं डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट पोजिशन का क्या कहानी है से ऐसे कर देंगे ये आपका स्टिगमा है ये स्टाइल है ये ओवरी है अब एंथर को यहाँ पे कर दिए अब मान लो बेचारा पॉलिंगन गिर भी रहा है तो पॉलिंगन नीचे गिरेगा ना ऊपर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा ये भी होता है बहुत बहुत सारे स्कूल में आप देखते हो क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे बॉयज़ होते हैं और एकदम टॉप फ्लोर पे गर्ल्स का स्कूल होता है इसको छुट्टी की टाइमिंग बड़ी डिफरेंट होती है अब क्या है कि लेवल ही डिफरेंट है, है। उधर आना जाना अलाउड ही नहीं है ठीक है आपका वाटर पॉइंट अलग वॉशरूम साइड है उनका अलग है तो वो हैड्रोसैली हो जाता है वहाँ पर भी सेल्फ पॉल्यूशन को कोई वो नहीं है दूसरा आ जाते हैं हरको गैमी हरको गैमी क्या है यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल बैरियर बना देते हैं ये शायद तुम्हारे इंसर्ट में नहीं दिया है मॉर्फो लॉजिकल बैरियर बना देते हैं ठीक है इसमें क्या होता है इसमें ऐसा होता है ये कुछ उतना ज़्यादा समझने का नहीं घबराना नहीं ये स्टिगमा ये स्टाइल है चलो सेम लेवल पे हमने कर दिया बट यहीं पर छोटा सा ऐसे एक मॉर्फोलॉजी जैसे मतलब पत्ती की तरह ऐसे बना देंगे पेटल की तरीके से अब क्या होगा ये डायरेक्टली इस पर जा नहीं पाएगा जर्नली तो हर को गैमी में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें भी इट्स लाइक कि तुम्हारा सेम लेवल पर है सेक्शन बट बीच में दीवार कर दी या फिर आयरन की रॉड डाल दी शटर डाल दिए तो अब क्या है सेम रेवल पे होने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता एंट्री नहीं मिल पाएगी ये बेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इनकॉम्पेटिबल सुना होगा नहीं वी आर नॉट कॉम्पेटिबल वी आर वेरी कॉम्पैटिबल ये वही चीज है इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी यहां पे क्या है कि यहां पे मान लो स्टिग्मा है ये स्टाइल है ये ओवरी है बगल में एंथर है इसका पॉलिन ग्रह आया इसके ऊपर बैठा है ना लेकिन इसका स्टिग्मा देखती है इसको पहचान जाती है के ऊपर कुछ कुछ आपके प्रोटीन लगे होते हैं स्टिग्मा के पास होते हैं पहचान जाती है अच्छा ही अपना वाला है ठीक है ठीक है इसको लात मारो रिजेक्ट कर देती है डायरेक्ट रिजेक्शन यहाँ पर रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक रिजेक्शन ऑन जेनेटिक लेवल पहचान जाती है मतलब ये मुँह पे मुँह पे बेजती है ये ठीक है हम कुछ एफर्ट नहीं करेंगे हम हम सब रखेंगे बट सीधे मना कर देंगे पहचान लिए कि बस तुम बाय वाले हो हमें तुम पसंद ही नहीं आने तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे स्टिग्मा स्टिग्मा इस, इस पर जाती है तो दे डिटेक्ट कि हाँ ये हमारे प्लांट का कि नहीं है डिफरेंट प्लांट का तो रिजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं सो दैट इज़ हाउ सेल्फ इनकॉम्पेटिटी वर्क अच्छा अब देखो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप लोग अक्सर फंस जाते हो तो इसको एक अलग से हम पोर्शन में ये चीज़ करा रहे हैं देखो प्लांट्स वाले में अक्सर तुम लोग फंसते हो दो तीन चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा लिख लो जैसे हमारा मोनोशियस प्लांट है मोनोशियस प्लांट और हमारा है डायोशियस प्लांट अब इसमें अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हां कहां पर ऑटोगेमे हो कहां पे जिटनोग में होगा मोनोशियस मोनोशियस का मतलब होता है कि मेल फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट ठीक है मेल फीमेल प्लांट फ्लावर अन् द सेम प्लांट अब देखो यहां पे दो दो सिचुएशन आ सकती है मोनोशियस में आपका आ सकता है कि एक सिचुएशन ऐसा हो कि मान लो ये है ये स्टिग्मा ये स्टाइल ये ओवरी ये बगल में एंथर है मतलब कि एक सिचुएशन आ सकती है कि मोनोशियस प्लांट पे बाई फ्लावर हो बाई कंडीशन हो गई फ्लावर की एंड मोनोशियस प्लांट है ठीक है प्लांट तो खैर मैंने वैसे ही लिख दिया मोनोशियस दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ये मान लो प्लांट है और ये यहाँ पे फीमेल फ्लावर हो गई और ये यहाँ पे आपके पास मेल फ्लावर हो गया मेल फीमेल फ्लावर हो गई ठीक है यहाँ पे आपके पास क्या हो गया फ्लावर यूनिसेक्शुअल हो गए बट प्लांट मोनोशियस है इस केस में क्या होगा इस केस में आपकी ऑटोगेमी भी होगी इस केस में आपकी जिटनोगी भी होगी और जीनोगेमी तो हो ही सकता है अगर ओपन है तो इस केस में आपका ऑटोगैमी कभी नहीं हो सकता क्योंकि आपका प्लांट अलग है तो ऑटोगैमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनुशियस प्लांट में नहीं होगा बट जिट्नोगी होगी डाइविशियस प्लांट आपका क्या है कि हाँ एक प्लांट पे मेल फ्लावर और दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे अगर प्लांट ही अलग है तो ना तो ऑटोगेमी होगा ना तो जिटनोगी होगा ना तो आपका जीनोगैमी ही सिर्फ पॉसिबल है तो इनमें कभी गलत मत करना ठीक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका डायोशियस में आता है तो डायोशियस में याद रखना डायोशी में हमारा अक्सर करके आ, सिर्फ और सिर्फ हमारा ज़ीनोगेमी होता है और इसका एग्जाम्पल हमारा याद रखना जिसका नाम एग्जाम्पल है डेट पाम एंड पपाया डेट पाम एंड पपाया अब इसे याद रखना बहुत आसान है देखो यूनी सेक्शुअल बाई सेक्शुअल फ्लावर आपको पता है यूनी सेक्स यूनी मतलब होता है सिंगल सेक्स मतलब जेंडर मतलब या तो मेल या तो फीमेल बाई मतलब टू बाई सेक्शुअल ये फ्लावर वाले में उतना झंझट नहीं होता जितना आपका मोनोशियस डायशियस में होता है याद रखना मोनोशियस का मतलब होता है मैरिज शादी शादी मतलब सेम घर मतलब प्लांट सेम होगा है ना हो सकता है भाई एक ही रूम में हो, हो सकता है अलग अलग रूम में बट होम विल बी सेम तो इसमें इसमें आपके होने के चांसेस हो रहते हैं डायोशियस 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 याद रखना डिवोर्स से डिवोर्स में क्या है आपका घर अलग अलग होता है है ना डिवोर्स होने के बाद किसी का भी डिवोर्स हो गया मतलब ब्रेकअप हो गया मतलब वो आपकी एक्स बन गई दिमाग लगाओ थोड़ा तो याद रखना डायशियस में सिर्फ एक्स वाला होगा एक्स बोले तो सिर्फ जीनो होगा डेट पाम एंड पपाया इसको ऐसे याद रखना कि डेट पाम जो था वो पपाया के साथ डेट पे गया था एक्स्ट्रा मेटेल फेर इन कर लिया तो इसलिए इनका डिवोर्स हो गया था ठीक है किसी को बताना नहीं राज की बात है डेट पाम एंड पपाया ये दोनों आपके डेट पे गए थे पपाया ने पाप कर दिया फिर इस, इसको डिवोर्स मिल गया तो डायुशस प्लांट बन गया इससे इसमें जीरो कैमी हो रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है सो आई होप दिस थिंग आर क्लियर अब आ जाओ हम फटाफट से आपको एनसीआर टी के थ्रू रीड करा देते हैं एनसीआर टी में क्या टर्म्स नहीं दिए गए हैं बट आपका ओवरऑल कहानी पूरी बताई गई है हाँ एक और चीज़ भी मुझे कराना था जो कि हम यहाँ पे नहीं कराए हैं क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन में एक और चीज़ होती है कि वो ओपन फ्लावर रखते हैं जिसको हम बोलते हैं चेज्मो गैमस फ्लार चैज्मो गैमस फ्लावर जो कि आपका गैमस फ्लावर जो कि आपका ओपन होता है जैसे नॉर्मली आप फ्लावर देखते हो ठीक है हिबिस्कस वगैरह देखिए ओपन रहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर आप देखोगे ऐसा लगेगा कि कली ही है बड के कंडीशन में हमेशा रहता है तो ओपन रहता है तो इसमें आपका होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखना वो याद रखना ये वाला क्लिस्टो आपका बायोला कमेलीना कॉमेलिना ऑक्जैलिस एंड बायोला इसमें दोनों ही टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं क्लिस्टो भी एंड चैजमो भी तो इसको तुम किसी में भी डाल दो तुम्हें क्लिस्टोकेमस्ट को कोई फ्लावर कोई एग्जांपल नहीं याद आ रहा है डाल दो चैजमोकेमस्को को कोई एग्जांपल नहीं आ रहा है डाल दो देखो क्लिस्टोकेमिस्ट का, क्लिस्टो का ग्राउंड नट याद रखना चैजमो तो ओपन आपने देखा ही होगा जितने भी आपको हिबिस्कस में आ रे गोल्ड सन जितने दिख रहे हैं सब चैजमो के एग्जाम्पल है बट इसको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी ओ वी सीओ डी कैश ऑन डिलीवरी से याद रखना सी ओ वी कॉमली ना में दोनों टाइप के पाए जाते हैं क्यों चलाकी कर दी भाई इन्हें कर दिया क्लिस्टोकेमिस्ट जिससे कि हाँ हमारी सीड भी बनता रहे ऐसा भी ना हमारी नेक्स्ट जनरेशन ना बने चैजमो कर दी जेनेटिक वेरेबिलिटी भी आती रही है इसे कहते दिमाग जैसे किसी घर में चार बच्चे उनके क्या की भाई दो को तो हमने डाल दिया सिंगल स्कूल में तीन को हमने डाल दिया अलग में तो बस वही यहाँ पे करा दिया आ जाओ देखते हैं पॉलिनीशियन की कहानी क्या है हाँ ये पॉलिनीशन है देखो यहाँ पे कहानियाँ बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को घुमा घुमा के पच्चीस बार बताई गई बट देखते हैं यहाँ पे बोला गया कि प्रोसीडिंग सेक्शन में आपने पढ़ा कि मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं आपने पढ़ा ऑफकोर्स आपने पढ़ा कि पॉलिन ग्रीन इम्ब्रायोसैक्ट मेल गैमेटोफाइट होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है लुक एट दिस देयर नॉट गैमेट ठीक है दैट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन ठीक है मतलब इनके अंदर बनते हैं मैंने आपको बोला था कि इनका घर है मेल गैमेट का घर है पॉलिन ग्रीन फीमेल गैमेट का घर है इम्ब्रायोसैक्ट तो जिसका घर होता है उसको गैमेटोफाइट बोला जाता है ठीक है ठीक अब देखो दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना क्योंकि दोनों में कहीं पे आपने फ्लैश लानी पड़ा ठीक है ह्यूमन के केस में मेल मोटाइल होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है बट प्लांट्स के, के केस में दोनों नॉन मोटाइल होते हैं बट तो अगर दोनों ही नहीं चल रहे भाई तो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है साथ में जाएं अब एक लड़का आए लड़की आए शादी करनी है तो एक साथ तो पहुंचना पड़ेगा ना एक जगह पर तो उसके लिए जरूरी है पॉलिनीशन तो पॉलीनेशन में आपका क्या है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पॉलिन ग्रेन को हम एंथर से निकाल के स्टिग्मा पे लेके जाए उस पॉलीशन ने बोल दिया ठीक है अब यही आपको दो है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके बहुत अतरंगी अतरंगी तरीके हैं फ्लावर कराने के ठीक है अलग अलग पॉलीनेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं बहुत सारे पॉलीटिंग एजेंट होते हैं इसको हम अभी आपको अभी पॉलीनेटिंग एजेंट ये हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक है आज नहीं है पॉलिनेशन हमारे पास क्या है डिपेंड करता है कि पॉलिन क्या है पॉलीनेशन क्या है बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप को डिवाइड किए गए ऑटोगैमी ऑटोगेमी क्या बोला है पॉलीनेशन विद इन द सेम फ्लावर हमने आपको ये बताया सेम फ्लावर होगा यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन होता है वो एक एंथर से निकल के दूसरे स्ट्रीमों पर जाता है सेम फ्लावर के अंदर यहाँ पे क्या होता है ऑटोगेमी आपके यही आपको बोला गया है कि इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोजेज द एंथर इन स्टिग्मा कंप्लीट्स ऑटोगेमी इज रादर रेयर ये देख रो क्या बोल रहा है ये बड़ी अच्छी लाइन बोल दी किसने बोला कि अगर मान लो नॉर्मली जो आपका फ्लावर ओपन है ठीक है प्रॉपरली उनमें ऑटोगेमी बड़ी रेयर हो जाती है ऐसा क्यों क्योंकि अगर ओपन होता है तो जनरली क्या होता है कि जब तक इसका इसका खुद का पॉलीग्रेन पहुंचता है तब तक कोई ना कोई और आके इसको पॉलीनेट कर जाता है ठीक है तो रेयर है बट होता है ओपन फ्लावर में ऑटोगी बाइसेक्सुअल ऑटोगेमी भी होगा जीनोगेमिक भी होगा बट हां आपके जर्नली यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो यही बोला है कि ऑटोगेमी के लिए इसलिए जरूरी है कि सिंक्रनी सिंक्रेनिन मतलब टाइमिंग सेम होना जो मैंने आपको बोला था ना ऑटोगेमिक के लिए इज वेरी रिक्वायरमेंट की होमोगेमी सॉरी uh, सिंक्रनी टाइमिंग सेम होना वही चीज यहां पर लिखा है इन पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों का टाइमिंग नहीं सेम हो तो बड़ा पंगा है ठीक है द एंथोरिन स्टिग्मा शुड बस टर्म्स को नहीं देखे इनने अलग अलग नहीं किया एक ही लाइन में पच्चीस चीजें समझा दी हैं देखो किसमें होता है वो नहीं बताया किसमें नहीं होता उसको पहले बता दिया ये यह देखो यही आपको बोला है कि देखो एक दूसरे के पास होने चाहिए मतलब पोजीशन सेम होनी चाहिए नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ठीक है जैसे यहां पे कुछ प्लांट बोला है वायोला ऑक्सैलिस एंड कॉमोलि वायोल का अंदर नेम कॉमन पेंसी होता है इसको याद रखना ये दो तरीके के फ्लावर बनाते हैं चैज्मोगस जो कि आपका जैसे कि फ्लावर एक्सपोज होते हैं ओपन होते हैं उसकी तरीके से क्लिस्टोगस जहाँ पे फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं यही आपको बोला है कि ऐसे फ्लावर में जो एंथर स्टिग्मा है एक साथ होते हैं और एंथर आपका फटता है फ्लावर की बड के कंडीशन में ही ऑलवेज वो बड ही अच्छा बहुत बार क्या होता है कि आपका चैज्मोगेमस फ्लावर होता है लेकिन फ्लावर बड कंडीशन में ही कर जाता है ठीक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है तो दूसरे गाने का चांस नहीं रहता ठीक है ग्रेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा इफेक्ट्स पॉलिनेशन ये आपको देखो चार चीजों घुसाए है इसमें क्लास चेज्मागेमस का यहाँ पे कोई कहानी नहीं थी चेज्मागैस का डेफिनेशन यहाँ पे बता दिए एनसीआरटी माता की जयो कि हाँ भाई जो फ्लावर ओपन होता उसको है उसको चेज्मोगै फ्लावर बोलते हैं क्लिस्टोगेमस को ब्लोरा जो ओपन ही नहीं होते हैं और आपके पास पास में रहते हैं तीसरा आपको बताया कि फ्लावर कभी कभी बड कंडीशन में भी आ, क्या होते हैं सात आसपास में रहते हैं सेम टाइम पर रिलीज होके पॉलिनेशन करके फिर ओपन होते हैं बट क्लिस्टोगेस कभी नहीं ओपन होता सिर्फ याद रखना नेवर एवर कन्फ्यूज विद फ्लावर इन बड कंडीशन क्लिस्टोगेमस दे बोथ आर डिफरेंट यही आपको बोला है कि जो आपके फ्ला, क्लिस्टोगेमेस फ्लावर हैं उनमें आपका इनवेरेबली ऑटोगेमी मतलब वहाँ पे कोई चांस ही नहीं कुछ और हो वहाँ पे भाई सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का क्योंकि ओपन ही नहीं होगा क्लिस्टोगेमस्ट फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट लुक एट दिस कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी होती है यहाँ पे श्योर्ड सीट होगा ही बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज बता दिया इन द अब्सेंस ऑफ पॉलीटर देखें कैसे यहाँ पे बताया मैंने आपको ये चीज़ बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनसीईआरटी टी बहुत इंटरेस्टिंग लिखी है कोई बच्चा खुद से पढ़ेगा बहुत कंफ्यूजन होगा डू यू थिंक इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको एडवांटेज मैंने दोनों लिखा दिया हाँ वहीं ब्रेन डिप्रेशन होगा डिसएडवांटेज एडवांटेज मैंने आपको बता दिया तो यहाँ पे आ गया जिटनोकैमीमीमीम क्लिस्टोकैमिज का एडवांटेज डिसएडवांटेज वही आप डाल दो छाप दो और सेल्फ पॉलिनेशन वाला क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर में ही आपका क्लिस्टोगी होता है तो वो सेम आपका आंसर आ जाएगा जितना फ्लावर में, में पॉलिगन हमारा निकलता है एंथर से स्टिग्मा पे और सेम प्लांट पे होता है बट फ्लावर डिफरेंट होता है लुक एट दिस अनदर फ्लावर बट डिफरेंट प्लांट यही आपको बोला है जिनो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि जा तो एक जगह दूसरी जगह पर आए ठीक है यहाँ पे पॉलीनेटिंग एजेंट रिक्वायरमेंट होते हैं बट इसीलिए हम इसको क्रॉस पॉलीनेशन की कैटेगरी में डाल देते हैं जेनेटिकली सिमिलर है बट हैं अलग अलग अब आ जाते हैं जीनोगैमी जीनोगैमी में पॉलिन ग्रेन हमारा निकलता है एक से डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट प्लांट को हाईलाइट करो यहां पे याद रखना एक्स से प्लांट अलग है तो यहां पे आपका दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज ड्यूरिंग ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंस ये यहां पे जेनेटिक डिफरेंस भी आता है सबसे बेस्ट ये होता है आपको पता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट ये होता है नेक्स्ट आ जाते हैं एजेंट ऑफ तो पॉलिनेशन इन नेक्स्ट क्लास ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमने आज आपको नहीं पढ़ाया अच्छा इस डायग्राम को देख रहे हो ये देख रहे हो क्लिस्टोगैम अंदर ज़मीन के अंदर देख रो फ्लावर हैं क्लोज क्लोज हैं ये देखो ओपन है तो ये एक ऐसा है जिसमें दोनों हैं ये देख रो कॉस पॉलिनीशन क्यों बोला गया क्योंकि ओपन है ओपन वाले में क्रॉस पॉलीनीशन जनरली होता है ये देख रहे हो ये बड कंडीशन में इसमें पॉलिनेशन हो जाता है सेल्फ पॉलीनेटेड फ्लावर लिखा हुआ है अक्सर पी में क्या होता है बड कंडीशन में फ्लावर हो जाता है बट इसका डेवलिंग याद रखना पॉलीनेशिंग अब हम आपको पढ़ाते हैं आगे देखो यहाँ पर इनने क्या किया एडोप्टशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन करके अलग से कोई टॉपिक नहीं दिया गया आपके एन में देखा नहीं दो दो तीन तीन वर्ड की सेम पोजिशन पर होना चाहिए टाइमिंग सेम होना चाहिए बाइस क्लोज होना चाहिए ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली इन्होंने पढ़ा दी तो यू विल नॉट गेट एनी पर्टिकुलर टॉपिक की अडॉप्टशन फ़ॉर सेल्फ पॉलिनेशन मैंने उसको अलग से एक्सट्रैक्ट करके लिखा दिया है बट हाँ अडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन का आपके एन में अलग से टॉपिक है यही आपको बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर में प्रोड्यूस हर्माफ्लोडाइड हर्माफ्लोडाइट इज द अनदर नेम ऑफ द बाई सेक्शुअल फ्लावर ठीक है अरे इतना अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है अब हम इसको नहीं खराब कर सकते ठीक है बाईस फ्लावर आपका ठीक है यहाँ पर आप ठीक है, है? है यहाँ पे देखो हर्मा हर्मफ्रोडाइट हर्मा मतलब मतलब मेल फीमेल अलग अलग ओ हो नो 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 यहाँ पे प्लांट की क्या बात कर रहे हैं हम रेस क्यों नहीं हो रहा है ठीक है छोड़ दो बेटा ये गलत मैंने लिख दिया है ये हर्माफ फ्लावर नहीं होते हैं क्या तगड़ी वाली गलती लिखी है और ये रेस भी नहीं रहा हो गया हो गया हो गया ठीक है हर्माफोराइड का मतलब होता है कि सेम आपका प्लांट हो ठीक है मेल फीमेल ऑन द सेम प्लांट यहाँ पे प्लांट की बात की गई बेसिकली आर टॉकिंग अबाउट मोनोशियस प्लांट मोनोशियस प्लांट यहाँ पे आपको बोला गया है कि जहाँ पे हमारे पास क्या होता है फ्लावर और पॉलिनी कॉन्टेक्ट में आते हैं पॉलिनेशन कराते हैं सेम फ्लावर पे ये बेसिकली तुम्हें सेल्फ पॉलिनेशन बता दिया लेकिन बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसकी वजह से इम्ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है इस वजह से बहुत सारे प्लांट ने ऐसे ऐसे डिवाइसेस डेवलप कर लिए कि नहीं हम में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो यही आपको बोला है सबसे पहला यहाँ पर डिवाइसेज़ आपको बोला गया है कि आपकी रिलीज़ एंड रिसेप्टिविटी सिंक्रनी नहीं करा देते हैं जानबूझ के इसको जिसको हमने आपको क्या बोला था हरको वो डाइकोगैमिका टाइप वही यहाँ पे बोला कि या तो स्टिग्मा को रिसेप्टिव पहले बना देंगे या तो आपके एंथर को पहले रिलीज करा देंगे बेसिकली प्रोटो एंट्री प्रोटोगाइनी को बिना टर्म दिए एक्सप्लेन किया गया है दूसरा आपको बोला गया है कि स्टिग्मा इस और इसको हम डिफरेंट पोजिशन पर प्लेस कर देंगे कि कॉन्टेक्ट में ही ना पाए दिस इज वॉट दिस इज वेट्रोस्टाइली क्यों क्या है तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताओगे सेकंड वाले का अब यहाँ पे देखो ये दोनों डिवाइड प्रिवेंट करता है ऑटोग्रामी तो को तीसरा आपको बोला गया एक इम्प्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं होता है और आपका सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी सेल्फ इनकॉम्पेटिविटिटी क्या बोला गया एक जेनेटिक मैकेनिज्म है ये भी आपका यहाँ पर टर्म दिया गया है